मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, दरअसल कैबिनेट बैठक में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल ओबीसी को मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण मिल रहा है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे विधानसभा के मानसून सत्र में लाने का रास्ता खुल गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार को जिस तरह से निर्दलीय बसपा और सपा के विधायकों का समर्थन मिला हुआ है, इसके कारण सरकार के सामने विधानसभा में भी इसे पारित करवाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। साथ ही इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने का भी यहां पर फैसला किया गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पिछले साल आरक्षण मामले को लेकर अगड़ी और पिछली जातियों को का विरोध शिवराज सरकार को झेलना पड़ा था और इसी के चलते वर्तमान सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।